हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं मेरी प्रेगनेंसी जर्नी को आगे। उम्मीद है आप लोगों ने पहला व्लॉग देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रही है मुझे, और मुझे उम्मीद है इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप भी कंसीव करना चाहते हैं तो आपको वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो मैंने की थी। सबसे पहली बात, 7 महीने पहले मैंने जब कंसीव किया तो मेरी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड थी, और मेरा ये मानना है अनप्लान्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अनप्लान्ड प्रेगनेंसी करते हैं तो इसके साथ बहुत से रिस्क फैक्टर्स जुड़े होते हैं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। जैसे मेरे केस में मेरा वेट पहली प्रेगनेंसी के कंपेरिजन में 30 kg बढ़ गया था, जिसे मैंने कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज स्टार्ट की ही थी और मैंने कंसीव कर लिया। तो अगर वेट ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिकली रिस्की प्रेगनेंसी हो जाती है। मेरी एज 33 है, तो मैम ने इसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिक्लेयर कर दिया बिकॉज ऑफ वेट, एज। और तीसरा फैक्टर भी है, वो मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी और हो सकता है आपको इसी वीडियो में पता चल जाए। अगर आप समझ जाते हैं वो तीसरा फैक्टर क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिज़िकली आपको फिट होना थोड़ा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मेरा वेट ज़्यादा था, नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, मैं अपनी सफाई नहीं दे रही हूँ, बट हाँ मुझे प्रॉब्लम आती थी वेट कम करने में। और मैं सोशल मीडिया पे जब भी एक्टिव हुई हूँ लोगों ने मुझे मोटापे के लिए बहुत कुछ कहा है, आज प्रेगनेंसी में भी बहुत कुछ कहते हैं। पता नहीं लोग हमारा दर्द क्यों नहीं समझते, क्या मोटे लोगों को प्रेग्नेंट होने का हक नहीं या वीडियोस बनाने का हक नहीं, मुझे समझ नहीं आता लोग इस बात को क्यों नहीं समझते। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिजिकली फिट होने के अलावा अनप्लान इसलिए नहीं होनी चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली भी रेडी हों एक हेल्दी बेबी को पालने के लिए, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि ज़रूरी नहीं है आपका सिंगल फीटस हो सकता है ट्विंस हो, ट्रिपलेट हो, और आप ट्विंस को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपके सारे खर्चे डबल हो जाएंगे, चाहे वो सोनोग्राफी के हों या आने वाले बच्चे के वैक्सीन्स के हों, सभी चीज़ों में डबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फीटल रिडक्शन कराएंगे तो भी आपको DNC के पैसे देने ही पड़ेंगे, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे भी लगा था चलो मैं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करती हूँ, बट मुझे नहीं पता था बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जैसे कि पहले 3 से 4 मंथ डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट दे दिया था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, मुझे लगा था सिर्फ नौसिया वॉमिटिंग है जैसे पहले प्रेगनेंसी में थी, बट डॉक्टर को डाउट था तो मैंने भी बेड रेस्ट लिया। उसके बाद मुझे लगा था वॉमिटिंग बंद हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, एंजाइटी वॉमिटिंग आज तक जारी है, अभी भी मुझे वॉमिटिंग होती है, मॉर्निंग सिकनेस है। उसके बाद मेरे लीवर पर सूजन आ गई थी, डॉक्टर ने कहा बच्चे ग्रो हो रहे हैं, यूट्रस ग्रो हो रहा है तो सूजन आ गई है, तो मैंने उसे 2 हफ्ते में ठीक कर लिया थ्रू अपनी डाइट। मैंने फ्रूट डाइट ली थी, लंच की जगह मैं फ्रूट्स ही लेती थी, लो फैट डाइट कर ली थी, मैंने दूध हटा दिया था अपनी डाइट से, जिसकी वजह से बच्चे कैल्शियम मेरी बोन्स से बहुत ज़्यादा लेने लगे। मैम ने एक ही गोली लिखी थी तब कैल्शियम की, तो मेरे हड्डियों में बहुत दर्द होने लगा, लीवर की सूजन तो हट गई लेकिन उसके बाद आया हड्डियों का दर्द जो असहनीय था, ना मैं बैठ पा रही थी ना मैं सो पा रही थी, क्योंकि मैं साइड में लेटती भी थी तो मेरी हड्डियों में इतना पेन होता था, जिसे सही होने में 1 से 1.5 महीने लग गया। मैम ने कैल्शियम 2 टाइम कर दी, MG D3 दिए, इंजेक्शंस का भी बोला था बट वो मैंने मना किया, विटामिन D के शॉट्स लिए। फिर मुझे लगा अब सब सही हो जाएगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी चलेगी, बट वो भी नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लाइपोमा हो गया था अंडर आर्म्स में, जिसे मैम और मैं कंफ्यूज हो गए लिम्फोमा को लेकर, मुझे लगा मुझे कैंसर हो गया है, तो बहुत सारे टेस्ट हुए, सोनोग्राफी हुए, तो एंड मैंने दवाइयाँ भी बहुत खाई, तो एंड में कंक्लूजन ये निकला कि फैट की गठान है, लाइपोमा है, हम उसे डिलीवरी के बाद निकालेंगे, अभी आप रहने दीजिए। तो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था वो भी मेरे लिए। इसके बाद अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो गया है, वैसे ही मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, डॉक्टर ने मुझे वेट बढ़ाने से मना किया था, तो वेट तो मेरा अभी तक 3 से 4 kg ही बढ़ा है, बच्चे ग्रो हो रहे हैं नो डाउट, पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती ही जा रही है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, मैं नहीं चाहती किसी और को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़े। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
तो मैं आपसे आगे आने वाले रेगुलर व्लॉग्स में मिलूंगी। तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो में। अब तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।